हेलो एंड वेलकम टू एवरीडे मील्स विद शाई। आज हम बनाने वाले हैं बैगन आलू की सब्ज़ी कुकर में, जो बहुत ही जल्दी बनेगी और ये हम टिफ़िन के लिए भी रेडी कर सकते हैं। तो बैगन और आलू को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, काट लिया है पीसीज में, और यहाँ कुकर में मैंने तेल गरम करने रख दिया है। जब तेल गरम हो जाएगा तो इसमें एक चम्मच मेथी का दाने डालेंगे, और जब मेथी के दाने कड़कड़ाने लगेंगे तो इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को भूनने के बाद में जब वो अच्छे से भून जाएगा तो इसमें बैगन और आलू हम डाल देंगे। और बैगन और आलू डालने के बाद में हम इसमें डालेंगे एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच मैंने लाल मिर्चें डाली हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिए, आधा चम्मच हल्दी है और एक चम्मच भुना कुटा ज़ीरा और धनिया है, और आधा चम्मच मैंने नमक का डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और एक चम्मच भर के दही का डाला है, और इसे खूब अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। क्योंकि हम इसे कुकर में बना रहे हैं तो सारे ही मसाले हम एक साथ डाल देंगे, और इसे बहुत अच्छे से हमें भून लेना है। जब ये अच्छे से भून जाएगा तो हम कुकर का ढक्कन जो है वो लगा देंगे और इसे हम पकने देंगे 2-3 सीटी के लिए। मैंने तो 2 सीटी दी थी, आपके कुकर में जितना टाइम लगता है उतनी सीटी आप दीजिए। जब कुकर में सीटियाँ हो जाएंगी तो हम जब इसका प्रेशर कम होगा तो इसे खोलेंगे। आपको अगर से ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो एवरीडे मील्स विद शाई को सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपीज़ को लाइक कीजिए और कमेंट तो ज़रूर कीजिए। अब यहाँ कुकर का प्रेशर जो है वो ख़त्म हो गया है तो मैंने इसे खोला है और ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खूबसूरत दिख रही है सब्ज़ी तैयार है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।